हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इंग्लिश। आई एम के द्विवेदी एंड टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अ न्यू पोएम, पोएम नंबर सेकंड। सर, दिस इज पोएम नंबर थर्ड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पोएम। ओके सो स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पोएम। रेन ऑन द रूफ। दिस पोएम इज रिटन बाई टोट्स किले। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पोएम एंड रिटन बाई टोट्स किले। सो लेट अस डिस्कस इट अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द राइटर, देन इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम। सो लेट अस सी। स्टूडेंट्स, किट्स किनी वॉज बॉर्न ऑन 24 नवंबर 1826 इन न्यूयॉर्क। किट्स किनी का जन्म न्यूयॉर्क में कब हुआ था? 24 नवंबर 1826 को, ठीक है, न्यूयॉर्क यूएसए में। ही वॉज एन अमेरिकन लॉयर पॉलिटिशियन। वे एक अमेरिकन लॉयर भी थे, पॉलिटिशियन राजनेता भी थे, और क्या थे? जर्नलिस्ट, दैट मीन्स पत्रकार। ओके, हु डज रिपोर्टिंग एंड अ पोएट आल्सो, और एक कवि भी थे। ही रोट पोएट्री एंड हिज वर्सेस आर कलेक्टेड इन क्यूका एंड अदर पोएम्स। उन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी। पोएट्री एंड हिज वर्सेस, पोएट्री मतलब पोएम्स, एंड वर्सेस भी एक पोएम का रूप होता है, ठीक है। और ये कहाँ कलेक्ट की गई है? क्यूका एंड अदर पोएम्स, द रेन ऑन द रूफ। ये एक टॉपिक है, मतलब एक पोएम का संग्रह है। विच वॉज सेट टू म्यूजिक वॉज द मोस्ट पॉपुलर पोएम, यानी ये इसको म्यूजिक भी दिया गया और ये बहुत उनकी लोकप्रिय पोएम है। ही डाइड इन 25 जनवरी 1904। उनकी डेथ कब हुई? 25 जनवरी 1904। तो स्टूडेंट्स, बिफोर रीडिंग अ पोएम यू मस्ट नो वेल अबाउट द पोएट, दैट मीन्स राइटर ऑफ द पोएम। ओके, नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम। पोएम का इंट्रोडक्शन क्या है? स्टूडेंट्स, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मॉडर्न इंग्लिश में जो हम लोग पोएम बोलते हैं, एक्चुअल में इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? पो। ओके, राइट प्रोनाउंसिएशन इज पो, और पोएट जो हम लोग बोल देते हैं पोएट होता है, ठीक है। बट थोड़ा हम लोग हैबिट में नहीं है ना इस तरीके से, तो डजंट मैटर। चलिए आते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम। स्टूडेंट्स, इन दिस पोएम राइटर सेज दैट एवरीबडी मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड रेन। मतलब लेखक ये कहता है कि हम लोगों ने जरूर अपने जीवन में रेन को एक्सपीरियंस किया होगा, अनुभव किया होगा, ठीक है। तो उस अनुभव के बारे में बताता है, दैट मीन्स एवरीबडी मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड रेन फॉलिंग ऑन द रूफ, ठीक है, आप दियर हाउसेस है अपने घर की छत पर। व्हेन द स्काई इज कवर्ड विद थिक डार्क क्लाउड्स, जब आकाश में काले काले बादल आ जाते हैं, एंड स्टार्ट रेनिंग, ठीक है, ऑन द हाउसेस ऑफ द रूफ्स, इट इज अ वेरी एक्साइटिंग मोमेंट। ये बहुत ही एक्साइटिंग मोमेंट होता है। तो इसी के बारे में राइटर बता रहा है, कह रहा है व्हेन द स्काई इज कवर्ड विद डार्क क्लाउड्स, जब आकाश काले बादलों से छा जाता है, एंड इट स्टार्ट्स रेन, और जब बारिश होने लगती है, तो क्या होता है? हैव यू एवर लिसन्ड टू द पैटर्न ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ। तो क्या आपने कभी ये फॉलिंग साउंड ऑफ द रेन, हैव यू एवर हर्ड इट, क्या आपने बारिश के जो गिरने से आवाज उत्पन्न होती है, क्लैटरिंग साउंड ऑफ द रेन, क्या आपने कभी सुना है? हैव यू एंजॉयड इट, हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड इट, हाउ नाइस एक्सपीरियंस इट इज, इट इज अ वेरी प्लीजेंट एक्सपीरियंस, ये बहुत ही प्लीजेंट एक्सपीरियंस होता है। तो इसी के बारे में वो बात कर रहा है ना।
What thoughts flashed through your mind? जब बारिश होती है तो तुम्हारे दिमाग में कौन से विचार आइडियाज, ठीक है? तो इसके बारे में बात कर रहे हैं. As you heard this melody of nature, because whenever rain falls on the roof of your house, there is a kind of music produced by falling of the rain, and it may be very very pleasant. ये बहुत pleasant हो सकता है. इसी का experience है. चलते हैं बेटा, poem पढ़ते हैं. First stanza. Try to understand difficult words, meanings, Hindi and English translation. Okay? जब आप poem seriously समझ में आ जाती है तो फिर आपको सब कुछ आ जाता है. But if you are not able to understand it, you can't do anything well. I have written here word meanings. English में लिखी है, मैं हिंदी में भी बताता जाऊंगा. First stanza. When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cotton chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain over it. ये आपका फर्स्ट स्टैंजा है. चलते हैं पहले मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं. ह्यूमिड में लिखा है, ह्यूमिड शैडोज मींस क्लाउड्स, बादल. मूवर मींस रहता है, हवा भी मरराते रहता, आकाश में बादल घूमते रहते हैं, मरराते रहते हैं. स्टारी स्फीयर्स मींस स्टार्स, आकाश में बहुत सारे स्टार्स होते हैं. मेलंकोली मींस सैड, बड़ी दुखद बात, ठीक है. Bliss means great happiness. And pattern means beat of the rain. Pattering sound of the rain. Okay? These are the meanings. Singles, thin stripe of wood. लकड़ी के छोटे छोटे तख्ते जैसे छत बनाने के लिए रखे जाते हैं कच्चे घरों में. Fancies, mental images. मन में हमारी कल्पनाएं बनती हैं. Hook means threads that cross the room. लूम पे जो धागे एक दूसरे को क्रॉस करते हैं. अगॉन मींस पास्ट. ओके, दीज आर द मीनिंग्स. तो फर्स्ट स्टैंजा को समझते हैं. कह रहे हैं व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर, ठीक है. होवर मींस क्या होता है आपका, ब्लो करना. मैंने आपको बताया है ना यहाँ पे मूव करना. होवर रिमेन इन द एयर, मूविंग. यानी लेखक कह रहा है जब तारा ह्यूमिड शैडोज होवर ओवर द ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स, जब तारागण क्या करते हैं, छोटे छोटे मतलब तारागण आकाश में बहुत सारे हमें तारे दिखाई देते हैं ना, तो ये तारागण पर मेघ मंडराते हैं. इन तारों से युक्त आकाश में जब बादल मंडराते हैं, ठीक है. सितारों से युक्त आकाश में जब बादल मंडराते हैं, इधर उधर घूमते हैं, और उदास अंधकार धीरे धीरे क्या करता है, एंड मेलनकॉली डार्कनेस. मेलनकॉली मीन्स उदास दुखी, और डार्कनेस मीन्स अंधेरा, और उदास अंधकार क्या करता है, जेंटली वीप, धीरे से रोता है. रेनी टीयर्स मीन्स वर्षा के आंसू. यानी जब आकाश में तारा गणों के ऊपर मेघ मंडराते हैं, घुमड़ घुमड़ कर बादल छाते हैं आकाश में, और क्या होता है, अंधकार में उदास अंधकार, उदास अंधकार धीरे धीरे क्या करता है, वर्षा के आंसू होता है. That means these clouds, when seen in the sky during rainy season, there is a little darkness all around. तो चारों ओर थोड़ा अंधेरा जैसा छा जाता है. The sky, which is full of stars, suddenly hidden by the clouds that are moving here and there. And then gently it starts raining. Sometimes it starts heavy. Okay?
तो ये आपका बेटा एक्सप्लेनेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में कर रहा हूं, सही से समझिएगा। तो व्हाट अ ब्लिस्ड प्रेस द पिलो, कह रहे हैं उस समय कितना आनंद प्राप्त होता है। ब्लिस आई हैव रिटन हियर ग्रेट हैप्पीनेस, कितना आनंद आता है, कैसा आनंद आता है, कहां पर? टू प्रेस द पिलो, प्रेस मीन्स होता है दबाना, ठीक है, क्या दबाना? पिलो मीन्स होता है तकिया, पिलो मीन्स तकिया। ऑफ कॉटेज चैम्बर बेड, कॉटेज चैम्बर, कॉटेज मतलब गांव के घर में जब हम होते हैं, गांव के घर में किसी कमरे में लेटे होते हैं और छत पर जिस समय बारिश हो रही होती है और हम अपने बिस्तर में तकिया पर लेटे होते हैं, उस समय इस रेन के प्लीजेंट नॉइज को फील करना इज वेरी वेरी एक्साइटिंग, इज वेरी वेरी थ्रिलिंग, इट्स वेरी प्लीजेंट, ये बहुत ही प्लीजेंट होता है, सुखद होता है जब हम अपने कमरे में बेड में लेटे होते हैं, हमारे सर के नीचे तकिया होती है और उस समय बारिश हो रही होती है छत पर, तो एक प्रकार का जो म्यूजिक उत्पन्न होता है उसको सुन करके एवरीबडी फील्स एक्साइटेड, इट इज अ वेरी प्लीजेंट मोमेंट। ओके, द राइटर सेज दैट व्हेनेवर वी आर लेइंग इन आवर चैम्बर अंडर द पिलो एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग ऑन द रूफ, देयर इज अ काइंड ऑफ म्यूजिक विच इज वेरी एक्साइटिंग एंड प्लीजेंट, वी फील अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। ओके, एंड लाइक लिसनिंग टू द बेटर वे, मैंने एक्सप्लेन पहले कर दिया, लाइक लेटे लेटे लिसनिंग सुनते हैं, पैटर मीन्स पैटरिंग साउंड ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवर हेड, सॉफ्ट मीन्स जेंटल, यानी जब धीरे धीरे बारिश हमारे घर की छत पर गिरती है तो इट प्रोड्यूसेस अ पैटरिंग साउंड, अ काइंड ऑफ म्यूजिक इज प्रोड्यूस्ड एंड टू लिसन दिस म्यूजिक इज वेरी वेरी प्लेजेंट, वी फील अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। ओके, तो स्टूडेंट्स ये आपका फर्स्ट स्टेंजा कंप्लीट हो गया। नाउ सेकेंड स्टेंजा देखिए, एवरी टिंकल ऑन द सिग्नल्स, एवरी टिंकल मतलब हर एक टप टप की बूंद, जो टप टप की आवाज होती है बारिश के होने से, ठीक है, ऑन द सिग्नल, सिग्नल थिन साइड ऑफ बूंद, कुछ घर मतलब झोपड़े टाइप में होते हैं, घर की छतें कच्ची होती है, घास फूस या लकड़ी के तख्ते जैसे रख दिए जाते हैं, टीन रख दी जाती है ना, तो इन पर जब बारिश की बूंदे गिरती है तो एक प्रकार की आवाज उत्पन्न होती है, रेन फॉल ऑन दीज स्ट्राइप्स ऑफ वुड और आयरन स्ट्राइप्स, जैसे टीन पर जब बारिश होती है ना टीन, तो उसमें कटपट कटपट की आवाज होती है ना, इट इज अ वेरी वेरी एक्साइटिंग मोमेंट, द म्यूजिक इज वेरी वेरी मेलोडियस, ये म्यूजिक बहुत मेलोडियस होता है, हमारे हार्ट को क्या करता है, इको बूटता है, वी फील एक्साइटेड, वी फील हैप्पीनेस, एंड थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज, और हमारे मन में फिर क्या होता है, हजार, ठीक है, हमारे मन में हजारों सपनों की कल्पनाएं, ठीक है, फैंसीज मीन्स इमेजिनेशन, मेंटल इमेजेस, हमारे मन में एक मतलब इमेज बनने लगती है तरह तरह की, ठीक है, ड्रीमी का मतलब ड्रीम लाइक, ड्रीम लाइक इमेजेस, इंटू बिजी बीइंग स्टार्ट, बिजी बीइंग स्टार्ट यानी हजारों सपनों की कल्पनाएं व्यस्त व्यक्ति के मन में उभरती है, यानी जो व्यक्ति सारे टाइम बिजी रहता है, हम इतने बिजी रहते हैं ना, लेकिन जब रेन होती है, बारिश होती है और ये रेन जब हमारे घर की छत पर किसी टीन सेट पर गिरती है तो एक प्रकार का म्यूजिक उत्पन्न होता है और हम कल्पनाओं में खो जाते हैं, वी आर लॉस्ट इन द इमेजिनेशन, थाउजेंड्स ऑफ इमेजेस आर क्रिएटेड इन आवर माइंड, हमारे दिमाग में हजारों कल्पनाएं जन्म लेती हैं, ठीक है, वी आर लॉस्ट इन द इमेजिनेशन, वी आर लॉस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। ओके, ये मुझे बताया, और क्या होता है, कह रहे हैं एंड थाउजेंड रिकलेक्शन, कलेक्शन मीन्स मेमोरीज, एंड
thousands of memories come in our mind. हमारे दिमाग में हजारों यादें आने लगती हैं, जो यादें हमारे बचपन से जुड़ी हो सकती हैं या और किसी समय से जुड़ी हो सकती हैं, ये यादें आने लगती हैं। ठीक है, रिकलेक्शन मीन्स मेमोरीज। हमारे मन में यादें आने लगती हैं, कुछ अतीत की यादें। ठीक है, और क्या होता है ना, ये यादें क्या करती है, वीड डियर एयर थ्रेड्स इन टू वूफ, एक प्रकार का ताना बुनना बुनने लगती है, वूफ से लिखा है थ्रेड्स दैट क्रॉस द लाइन। ये यादें हमारे मन में एक प्रकार का ताना बुनना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, एक प्रकार की परिकल्पना, एक प्रकार की इमेज को बनाना स्टार्ट कर देती है, यानी हवाई ताने, यानी काल्पनिक ताने बाने हम बुनने लगते हैं, बनाने लगते हैं। वी मेक इमेजेस ऑफ आवर इमेजिनेशन विच आर रिलेटेड टू आवर चाइल्डहुड डेज आर टू सम अदर इवेंट ऑफ आवर लाइफ, वी आर लॉस्ट इन आवर इमेजिनेशन। ठीक है, एज आई लिसन टू द पैटर, कब कह रहा है, जब वो इस गिरती हुई रेन को अपनी घर की छत पर सुनता है तो वो कल्पनाओं में खो जाता है, यादों में खो जाता है। ठीक है, आप द रेन अपॉन द रूफ। ओके स्टूडेंट्स, तो सेकेंड स्टैंडर्ड भी कंप्लीट हो गया, नाउ थर्ड स्टैंडर्ड आ जाएगा। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, अब कवि के मस्तिष्क में उसकी माँ की याद आती है। दैट मीन्स इट इज द टाइम वेन द पोएट रिमेम्बर्स हिज मदर, जब वो अपनी माँ की याद करता है, दैट मीन्स ही इज लॉस्ट इन द मेमोरी ऑफ हिज मदर। एस यूज्ड इन इयर्स अलोन, क्योंकि वो बहुत पहले यूज्ड किया करती थी। इयर्स अलोन मीन्स पास्ट, अतीत में बीते हुए समय में उसकी माँ क्या करती थी, टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, क्या करती थी, अपने सोते हुए प्यारे बच्चों को, डार्लिंग मीन्स डार्लिंग ड्रीमर्स यहाँ पर चिल्ड्रेन है, लविंग चिल्ड्रेन, यानी वो माँ जब अपने सोए हुए बच्चों को क्या करती थी ना, एल एल मीन्स बिफोर सी लेफ्ट देम टिल द डार्क, ये अपने सोते हुए प्यारे बच्चों को सवेरे तक अकेला छोड़कर जाने से पहले देखा करती थी, यानी कहीं काम पर जाने से पहले अपने बच्चों को एक बार देख करके तब बाहर जाती थी। ठीक है, उस समय की याद में कभी खो जाता है। ठीक है, यानी अतीत में माँ अपने प्यारे बच्चों को सवेरे तक अकेला छोड़कर जाने से पहले देखा करती थी। ठीक है, तब कहीं काम पे जाती थी। द राइटर सेज दैट ही इज लॉस्ट इन द मेमोरी ऑफ हिज मदर व्हेन ही वाज यंग एंड हिज मदर बिफोर लिविंग आउट वुड ऑफन ऑब्जर्व हर लिटिल एंड लविंग चिल्ड्रन। थियोडर, आई फील हर फोन लुक ऑन मी, कवि कहता है कि वो अपनी माँ की उस लुक नजर, ठीक है, वो अपनी माँ की नजर को फील करता है, फील हर फोन लुक लविंग लुक, वो अपनी माँ की उस प्यारी नजर को महसूस करता है। एज आई लिसन टू दिस रिफ्रेन, मीन्स यहाँ पर लिसन, जब वो सुनता है, क्या सुनता है, टिक टिक की आवाज, रिफ्रेन, रिफ्रेन का मतलब होता है रिपीटिंग साउंड, विच इज प्लेड अपॉन द सिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। कह रहा है कि जब ये टिप टिप की आवाज, रिफ्रेन मीन्स रिपीटिंग, व्हेन द रेन फॉल्स ऑन द रूफ ऑफ हिज हाउस ही इज कंपेल्ड टू लॉस्ट इन द मेमोरी ऑफ हिज चाइल्डहुड डेज व्हेन हिज लविंग मदर यूज्ड टू लव हिम एंड बिफोर गोइंग आउट सी वुड कीप ऑन स्टैंडिंग फॉर सम टाइम टू वॉच हिम। तो वो उसकी यादें दिमाग में आ जाती है, उसको याद आ जाती है अपनी माँ की। ठीक है, इस रिपीटेड साउंड ऑफ रेन की वजह से। तो स्टूडेंट्स, योर दिस पोयम इज आल्सो कंप्लीटेड, आपकी ये पोयम कंप्लीट हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई वुड लाइक टू एडवाइज यू टू वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन। ओके, थैंक यू फॉर अटेंडिंग टूडेज क्लास।